बच्चों आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही बच्चों महाकवि कालिदास की सरस सरल सुमधुर माधुर्य से परिपूर्ण भाषा का आनंद लेने के साथ साथ इस नाटक में प्रतिपादित किए गए विषयों का भी हम आनंद लेंगे। बच्चों वैदर्भी रीति के ज्ञाता महाकवि कालिदास ने इस ग्रंथ में बहुत लंबे समासों का प्रयोग नहीं किया है, बहुत ही संक्षिप्त और भाव गांभीर्य के साथ विचारों को यहाँ रखा है। बच्चों कालिदास के समय तथा जीवन व्रत के विषय में बहुत प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, फिर भी कुछ अंतः साक्ष्य तथा बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका समय निर्धारित किया जाता है। कुछ विद्वान इनका समय उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जिन्होंने 57 ईस्वी विक्रम संवत प्रारंभ किया था के समकालीन बताते हैं, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय निर्धारित होता है तथा कुछ विद्वान इनका समय चतुर्थ शताब्दी ईस्वी मानते हैं तथा ये कालिदास को गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त से जोड़ते हैं। इनके जीवन के विषय में भी बहुत स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, फिर भी कहते हैं कालिदास प्रारंभ में अज्ञानी थे। राजकुमारी विद्योत्तमा ने यह शर्त रखी कि जो भी उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी, उनका वरण करेगी। अनेक राज्यों के राजाओं ने आकर के राजकुमारी के साथ शास्त्रार्थ किया परंतु वे सफल नहीं हुए। राजकुमारी ने सभी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इस प्रकार पराजित हुए ये राजा अत्यंत ही दुखी हुए तथा राजकुमारी से बदला लेने का निर्णय किया। तभी किसी ने देखा कि कालिदास जिस वृक्ष की शाखा पे बैठे हैं उसी को ही काट रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इससे ज्यादा मूर्ख कोई भी नहीं हुआ, हम राजकुमारी का विवाह इसी के साथ करवा देते हैं। कालिदास को साथ लेकर के और ये कह करके कि तुम मौन रहोगे चुप रहोगे दरबार में आए, वहां राजकुमारी के साथ इनका शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ तो यह कहा गया कि कालिदास मौन धारण करते हैं, मात्र संकेत में ही आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। राजकुमारी ने प्रथम प्रश्न के रूप में एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ था ब्रह्म एक है। कालिदास ने मन में विचार किया कि यह शायद मेरी एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है, तो उन्होंने दो उंगली दिखाई। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न करते हुए उसने पांचों उंगलियां हाथ खुला हुआ दिखाया। यह सब करने पर कालिदास ने विचार किया कि अवश्य ही ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए कह रही है या इनका जो निश्चय है वो सही नहीं है। यह विचार कर कालिदास ने बंद मुट्ठी दिखाई कि मैं मुक्का मार दूंगा। कुछ इस प्रकार के मन में तर्क शायद कालिदास के मन में थे तथा राजकुमारी के मन में कुछ और ही तर्क थे, लेकिन राजकुमारी ने इन संकेतों से यह अभिप्राय लगाया कि यह द्वैतवाद में विश्वास करते हैं तथा इनका कहने का अभिप्राय है पांचों इंद्रियों को पृथक पृथक करके कोई कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता, एकजुटता से कार्य संभव है। तो इस प्रकार से राजकुमारी प्रसन्न हुई और दोनों का विवाह हो जाता है। बच्चों विवाह होने के बाद जब वो बैठे हुए थे तो एक दिन राजकुमारी ने पूछा को गच्छति, अथवा वह पूछती है किम एतत्। ऐसा पूछे जाने पर क्योंकि कालिदास ज्ञानी नहीं थे तो उन्होंने कहा उष्ट्रय गच्छति। जैसे ही उसने गलत उच्चारण सुना, त्रुटिपूर्ण उच्चारण सुना, तो उसका मन व्यथित हो गया और उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कालिदास ने माँ काली की पूजा की, सरस्वती ने सुन उनको आशीर्वाद दिया और जब वो पुनः घर आए, जब उन्होंने कहा कपाटम उद्घाटय सुंदरी, दग्धता सुनकर के राजकुमारी भाव विभोर हो गई और उसने कहा
अस्ति कश्चित् वाग् विशेष है। बच्चों ऐसा कहते हैं विद्योत्तमा के इन तीन पदों को लेकर कालिदास ने तीन बड़े ग्रंथों की रचना की। अस्ति उत्तरस्याम दिशि, इस प्रकार अस्ति पद से प्रारंभ होने वाले कुमार संभव की रचना की। वाग् अर्थो वाग् शब्द से रघुवंश की रचना प्रारंभ की तथा कश्चित् से मेघदूतम की रचना की। तो ये इस प्रकार की किंवदंती है। आज हम उन्हीं महाकवि के द्वारा लिखे हुए नाटक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बच्चों कहते हैं लिखी गई विधाओं में सर्वश्रेष्ठ विधा नाटक या रूपक होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम रूपक का एक भेद नाटक है। इसमें नाटक के वे सभी लक्षण उपलब्ध हैं जो हमारे काव्य शास्त्राचार्यों के द्वारा दिए गए हैं। बच्चों नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात्, अर्थात नाटक की जो कथा वस्तु होती है वह कोई प्रसिद्ध कथानक होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान में वर्णित है। पद्म पुराण में भी इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है। नाटक के लक्षण के अनुसार बच्चों नाटक का नायक धीरोदात्त धीरोधत्त आदि होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत धीरोदात्त है। नाटक का मुख्य रस श्रृंगार रस अथवा वीर रस होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि श्रृंगार रस में ओतप्रोत है, श्रृंगार रस में रचा गया है। नाटक में 5 से 10 के मध्य में अंक होने चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में बच्चों 7 अंक उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से नाट्य शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से भी अभिज्ञान शाकुंतलम एक श्रेष्ठ नाटक उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, लिखा गया है। कहते हैं बच्चों काव्य विधा में सर्वश्रेष्ठ विधा नाटक होती है। जैसा कि कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्, अर्थात काव्यों में सर्वश्रेष्ठ नाटक होता है तथा नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम अत्यंत ही रमणीय है। जैसे काव्य में नाटक रमणीय कहे गए हैं वैसे ही नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम को अत्यंत रमणीय कहा गया है। वहां पर भी अभिज्ञान शाकुंतलम का आनंद उठाते हुए जब चतुर्थ अंक को पढ़ते हैं तो आनंद या रमणीयता की पराकाष्ठा है। और उस चतुर्थ अंक में भी बच्चों 4 श्लोक अत्यंत ही रमणीय कहे गए हैं। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास की सरल परिमार्जित लेखनी से लिखा गया यह ग्रंथ बहुत ही भावपूर्ण है। इसकी कथा वस्तु हम देख लेते हैं बच्चों। बच्चों इसके सबसे पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम इस नामकरण को देखते हैं। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम्। अभिज्ञानम् यह अभि उपसर्ग धन ज्ञा धातु धन ल्युट प्रत्यय से बना है। शाकुंतलम् शकुंतलाम् अधिकृत्य कृतम् नाटकम् इति शाकुंतलम्। यहाँ अधिकृत्य के अर्थ में अण प्रत्यय होकर शाकुंतलम् बना है बच्चों, जिसके द्वारा अभिज्ञायते अनेन इति, जिसके द्वारा पहचानी गई है शकुंतला ऐसा नाटक, तथा अभिज्ञान सहित शाकुंतलम् इति अभिज्ञान तथा शकुंतला विषयक विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम्। बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम् के प्रमुख पात्र है दुष्यंत शकुंतला अनसुया प्रियंवदा महर्षि कण्व गौतमी शारंग राव शारद्वत विदूषक महर्षि मारीच मातली इत्यादि। अन्य भी अनेक पात्र है बच्चों जिनका हम पढ़ते वक्त आनंद लेंगे। इसमें बच्चों 7 अंक हैं।
कथा सार इसका इस प्रकार से है बच्चों। एक बार राजा दुष्यंत आखेट के लिए जाते हुए, मृगया के लिए जाते हुए, मृग का अनुसरण करते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां तपस्वी के द्वारा मना किए जाने पर कि यह तपोवन का मृग है, आपको इसे मारना नहीं है, न हंतव्यो न हंतव्य अर्थात यह वध के योग्य नहीं है। वहीं पर ही राजा अपना संधान किया हुआ धनुष हटा लेते हैं तथा आश्रम में महर्षि कर्ण से मिलने के लिए जाते हैं। राजा को विदित होता है, पता चलता है कि महर्षि कर्ण अपनी संतान शकुंतला के भाग्य के अनिष्ट की शांति के लिए सोमतीर्थ गए हैं। आश्रम में प्रविष्ट होते ही दुष्यंत अनसुईया तथा प्रेमवदा इन दोनों सखियों के साथ पादुकों में जल सिंचन करती हुई शकुंतला को देखते हैं तथा दुष्यंत उसकी ओर आकर्षित होते हैं। फिर भी कहते हैं कि यह ऋषि कन्या है और हो सकता है राजा यह क्षत्रिय के द्वारा वरण के योग्य नहीं है। तभी एक भ्रमर शकुंतला को बाधा पहुंचाता है तो एक सखी कहती है, हमें मत बुलाओ, रक्षा के लिए दुष्यंत को बुलाओ। तभी राजा जो कि वृक्ष के ओट में है, छिपे हुए हैं, वहां से प्रकट होते हैं, वहां से एकदम बाहर आते हैं और शकुंतला को इस भ्रमर बाधा से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। शकुंतला की दोनों सखियों से उन्हें शकुंतला के विषय में पता चलता है कि यह क्षत्रिय के द्वारा वरण करने योग्य है और वे उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तभी राजा के हाथ में मुद्रिका देख करके दोनों सखियां कुछ संकोच करती हैं। तो राजा कहता है कि यह केवल राजा के द्वारा दी गई है, मैं तो उनका सेनापति हूँ। शकुंतला जाने को उद्यत होती है। तभी दोनों सखियां उनको वृक्ष सिंचन के ऋण का स्मरण करा के रोकती है। राजा मुद्रिका के द्वारा उसको ऋण करना चाहते हैं। मुद्रिका पे लिखे हुए दुष्यंत के नाम से वो दोनों सखियां कुछ विचलित सी होती है, एक दूसरे की ओर देखती है। राजा कहता है, यह मुद्रिका मुझे पारितोषिक के रूप में मिली है। तभी बच्चों आकाशवाणी होती है कि कोई हाथी भाग रहा है और भय से सभी को आक्रांत कर रहा है। शकुंतला अपनी दोनों सखियों के साथ निकल जाती है। पादप में न फंसे हुए कांटे में न फंसे हुए आंचल को पकड़ करके पीछे देखकर चली जाती है। इस प्रकार प्रथम अंक समाप्त होता है। द्वितीय अंक में विरह व्यथित राजा अपने अंतरंग मित्र विदूषक, जिसका नाम दव्य है, से वार्तालाप करके अपनी प्रणया भी व्यक्त कर रहा है। उस समय विदूषक उन्हें समझाने का प्रयास करता है कि इससे अच्छा तो सौंदर्य हमारे अंतःपुर में भी विद्यमान है, परंतु राजा कहता नहीं, वह अत्यंत सौंदर्यशालिनी है। वो बात कर ही रहे थे तभी तपस्या द्वारा यज्ञ रक्षणार्थ तथा दानवों के दमन के लिए राजा कुछ दिन ठहर जाए, यह कहने के लिए तपस्वी गण वहां आते हैं। यहाँ बच्चों राजा की प्रार्थना को पुष्पित पल्लवित करने के लिए कवि ने बहुत ही सुंदर एक वातावरण बनाया है। विदूषक यह सुनकर घबरा जाता है, दानवों का नाम सुनकर के कुछ घबरा जाता है। तभी वहां पर अंतःपुर से राजमाता का भेजा हुआ संदेश वाहक आता है और कहता है कि राजमाता के पारणा करने के लिए पुत्र की आवश्यकता है, अतः आप नगर को लौट आइए। तभी राजा विदूषक को कहता है कि आपको भी राजमाता पुत्रवत मानती है, तो आप उनके पुत्रोचित कार्य को संपन्न कराने के लिए नगर में जाइए तथा मैं यहाँ पर दानवों का दमन करता हूँ तथा यज्ञ की रक्षा का कार्य संपन्न करता हूँ। साथ ही एक और बात कहते हैं कि जो मैंने शकुंतला के साथ प्रणय की बात आपसे कही है, उसे आप मात्र परिहास समझना। तो यहाँ यह कह करके विदूषक के मन से इस बात को बिल्कुल निकालने का प्रयास किया गया है। तृतीय अंक में बच्चों शकुंतला तथा राजा दुष्यंत की के प्रेम की पराकाष्ठा है। शकुंतला शैया पर लेटी हुई है तथा उसकी सखियां उसे राजा के लिए पत्र लिखने के लिए प्रेरित करती है कि आप उनके लिए पत्र लिखें।
तभी नलिनी के पत्र पर नख के द्वारा लिखने के लिए प्रारंभ हुई राजा के लिए कुछ निर्दय शब्द का प्रयोग जैसे ही करती है, वृक्ष की ओट में छिपा हुआ राजा बाहर आ जाता है तथा वह कहता है कि लक्ष्मी जिसे प्राप्त करना चाहे वह आसानी से प्राप्त कर सकती है, परंतु लक्ष्मी को कोई चाहे तो यह अवश्य नहीं लक्ष्मी उसे प्राप्त हो। इस प्रकार से उन दोनों का यहाँ मिलन होता है, दोनों सखियाँ चली जाती हैं। बच्चों, कवि ने इस मिलन में नारी की शालीनता, भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए प्रेम का वर्णन किया है। तभी शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार सुनकर गौतमी वहां शांति जल लेकर आती है। दुष्यंत वहां से हट जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, संध्या काल हो गया है तथा भयोत्पादक छायाएं बार बार आक्रमण करने के लिए आ रही। ऐसा सुनकर राजा यज्ञ की रक्षा करने के लिए लता मंडप से निकल जाता है। शकुंतला तथा गौतमी भी निकल जाते हैं। बच्चों, चतुर्थ अंक कालिदास की प्रतिभा का चरमोत्कर्ष है। विषकंभक से प्रारंभ होने वाले इस अंक में शकुंतला प्रेम में मग्न हुई बैठी है। तभी दुर्वासा ऋषि का वहां आगमन होता है तथा वो भिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु इन सब बातों से अनभिज्ञ शकुंतला उनकी उपेक्षा कर देती है। क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि उन्हें शाप देते हैं। दुर्वासा शाप में कहते हैं कि जिसका स्मरण करती हुई तुम मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को नहीं जान रही हो, वह तुम्हें याद कराता हुआ भी, स्मरण दिलाता हुआ भी वह व्यक्ति तुम्हें स्मरण नहीं करेगा, पहचानेगा नहीं। इस शाप को शकुंतला नहीं सुनती है क्योंकि उसका ध्यान नहीं है। तभी उधर आती हुई दोनों सखियां दुर्वासा द्वारा दिए हुए इस शाप को सुन लेती है तथा अपनी सखी के मंगल के लिए तथा अनिष्ट के नाश के लिए वे दोनों ऋषि से प्रार्थना करती है, बार बार अनुनय विनय करती है। तो इस पर ऋषि कहते हैं जिसका वह स्मरण कर रही है यदि उसे वह अभिज्ञान या पहचान के रूप में कोई मुद्रिका दिखा दे तो उसे स्मरण हो जाएगा। इस पर दोनों सखियां आश्वस्त हो जाती है कि स्मृति के रूप में दी गई मुद्रिका शकुंतला के हाथ में है। यही चतुर्थ अंक में महर्षि कर्ण को सोम तीर्थ से लौटने से एक आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला के आपन्न सत्वा होने का पता चलता है, विदित होता है। वे प्रसन्न हो जाते हैं तथा उसे पति गृह भेजने के लिए तैयार हो जाता। वे उसे पति गृह में किए जाने वाले नैतिक कार्यों की, सेवा संबंधी कार्यों की शिक्षा देते हैं। अब पंचमांग प्रारंभ होता है। बच्चा, शकुंतला गौतमी तथा दोनों ऋषि कुमारों के साथ, दोनों तपस्वियों के साथ राजा दुष्यंत की सभा में उपस्थित होती है। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा शकुंतला को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं तथा एक श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति के समान शकुंतला के सौंदर्य को देखने के पश्चात भी वह उसे स्वीकार करने से मना कर देते हैं कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने इससे कभी विवाह किया है, यह मेरी पत्नी नहीं है। यह सुनकर शकुंतला अपनी मुद्रिका दिखाना चाहती है, परंतु वह मुद्रिका पूर्व में ही शची तीर्थ में गिर गई है। अब शकुंतला की ऐसी स्थिति हो गई है कि ऋषि कुमार तथा गौतमी उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते हैं और राजा उसे कर्तव्यवान के समान, चरित्रवान होते हुए उसे स्वीकार करने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। शकुंतला असहाय हो जाती है। पुरोहित जब उसे अपने घर की ओर ले जाना चाहते हैं तो मार्ग में ही कोई स्त्री अवयवों के समान प्रतीत होती हुई छाया ज्योति उसे उठा कर ले जाती है। षष्ठांक के प्रारंभ में बच्चों, राजा शकुंतला की दयनीय दशा देखकर
कुछ खिन्न हो जाता है परंतु उसे कुछ स्मरण नहीं होता। षष्ठांक में बच्चों धीवर को वह मुद्रिका प्राप्त हो जाती है और वह उस मुद्रिका को विक्रय करते हुए पकड़ा जाता है। रक्षक धीवर को राजा के पास लाते हैं। जैसे ही मुद्रिका को देखा उन्हें एकदम से शकुंतला का स्मरण हो आया। राजा व्यथित हो जाते हैं, वे पश्चात आपकी अग्नि में जलते हैं। तभी राजा को सूचना मिलती है कि धनमित्र नाम का कोई व्यापारी, उस व्यापारी की संतानहीन मृत्यु हो गई है, तो उसका धन किसे प्राप्त होना चाहिए। ऐसी अवस्था में राजा को अपनी स्थिति का स्मरण होने लगता है। परंतु धनमित्र की कोई पत्नी आपन्न सत्वा थी तो वह धन उसके लिए दिया जाए, ऐसा राजा कहते हैं। बच्चों राजा की इतनी व्यथित अवस्था को देख करके इंद्र अपने सारथी मातली को उनके पास भेजते हैं, जो कि उनके मित्र विदूषक माधव्य को पीड़ित करते हैं। माधव्य आर्तनाद करता है, उसके आर्तनाद को सुनकर के राजा को अपना क्षत्रियत्व ध्यान आता है और वह अपना ध्यान शकुंतला से हटाकर उन्हें उसकी रक्षा के लिए, सहायता के लिए दौड़ते हैं। इस प्रकार से मातली का उनसे मिलन होता है तथा मातली उन्हें सूचना देता है कि उन्हें कालनेमी के वंशज राक्षसों का दमन करना है। सप्तांक में बच्चों इंद्र के कार्य को संपन्न करने के उपरांत राजा गगन मार्ग से पृथ्वी लोक की तरफ आते हैं। यहाँ वे ऋषि मारीच के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वह सर्वदमन जो कि सिंह शावक के साथ खेल रहा है को देखकर उनमें पुत्र वात्सल्य उत्पन्न होता है तथा उसे गोद में अंक में ले लेते हैं। उसकी जो औषधि गिर जाती है उस औषधि को, जिसको कि माता पिता के अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता, उसे राजा दुष्यंत उठा लेते हैं। वहां उपस्थित दोनों सेविकाएं एक कल्पना करती है, विचार करती है कि अवश्य ही ये राजा दुष्यंत हैं। वहां पर ऋषि आते हैं, शकुंतला आती है जो कि विरह से पीड़ित है, जिसने किसी भी प्रकार के आभूषण धारण नहीं की, जो कि मुक्त कुंतला विरह व्यथित तपस्या और प्रेम की मूर्ति। शकुंतला का वहां आगमन होता है। राजा उसे देख करके भाव विहल हो जाते हैं, शोक मग्न हो जाते हैं। दोनों का बड़ा ही करुण मिलन होता है, दोनों की करुण स्थिति होती है। ऐसे समय में बच्चों वहां ऋषि आते हैं और राजा का शकुंतला तथा उनके पुत्र से सुखद मिलन होता है। नाटक की समाप्ति भरत वाक्य से होती है। नाटक के लिए एक नियम है कि नाटक सदैव सुखांत होने चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम का सुखांत होता है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च क्षपयतु नील लोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभू। बच्चों इस प्रकार से नाटक सुखांत होता है। आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के सार को समझा है, महाकवि कालिदास के जीवन व्रत तथा समय के विषय में जाना है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मंगलाचरण से अपने नाटक का प्रारंभ करेंगे। बच्चों हमने ऑनलाइन अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ कर दिया है और हम इस प्रकार से अपने कार्य को, अध्ययन कार्य को अच्छी प्रकार से करते हुए तथा COVID-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने को तथा अपने समाज को सुरक्षित रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।